ये मिलिए भाई साहब हमारे पहलवान कुलविंदर जी से। पहाड़ी लाइफ स्टाइल से भाई चैनल सब्सक्राइब करो, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं भाई। तो अब भाई सिंह अच्छे मिले ने। ठीक है भाई, देखो हमारे प्रदेश में साथ के लगते पंजाब से पठानकोट से, ये देखिए हमारे भाई, ये करना पड़ता है पहलवानी के लिए, आप भी करो हम भी करते हैं। हाय गाइस, आज हम आए हैं बहुत क्वाड़ू मेले में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत क्वाड़ू, जो कि आजकल बहुत चर्चा में बना हुआ है हवाई अड्डे को लेकर, बहुत क्वाड़ू करीब लेने पाई जाएगी। तो आप देख सकते हैं पकौड़े बहुत महंगे लगाए इन्होंने। अभी भाई साहब पकौड़े और जलेबी खा चुके हैं। अच्छा। मैंने तो खाया नहीं है, मेरा गला खराब है, तो इसलिए आधा किलो इसने खाए सबसे ज्यादा, और दवाई भी साथ में खा रहा और पकौड़े भी खा रहा है। अभी इसके बेटे के लिए खिलौना ढूंढने जा रहे हैं हम, अच्छा वाला। ये देखिए गाइस, ये जलेबी बन रही है, और ये हमारे अंकल जी पूरी जलेबी का इसके बाद इसको चाशनी में डाला जाएगा। ठीक है गाइस, इसको थोड़ी देर बाद ना चाशनी में। तो गाइस ये जलेबी बन रही है और इसको ठंडा होने के बाद चाशनी में डाला जाएगा। और ये देखिए जैसे ये बनकर तैयार हो चुकी है, दो कलर की जलेबी होती है देख लो। गाइस मिलिए हमारे यहाँ अंचल के प्रसिद्ध पहलवान रजत जी से। Thank you.
तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर बोहट क्वाड़ू में एक बहुत बड़ा तालाब है। यहाँ पर कमल के फूल खिलते हैं लेकिन आजकल नहीं खिले हुए हैं। तो ये कई बार हम यहाँ पर आते हैं तो ये सारा तालाब कमल के फूलों से भरा होता है लेकिन अभी तो यहाँ पर कोई भी फूल नहीं है। सभी फूल खाने ना तो बिल्कुल करना चलो जी चलो बड़ा चालू चीज है तू घूमी जरूर जाना।